हेलो दोस्तों, टेक्निकल रेमेडी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वन प्लस अपना एक नया फ्लेक्सी फोन लॉन्च करने जा रहा है आज ग्लोबल मार्केट में, जिसका नाम है वन प्लस 60। तो आज की इस वीडियो में आप बने रहिए, आज मैं आपसे इसी फोन के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, वैसे तो इस फोन के बारे में काफी कुछ हाइप क्रिएट किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। जब वन प्लस 6 लॉन्च हुआ था तो मुझे लग रहा था कि वन प्लस 6 का जो अगला जो वर्जन होगा वन प्लस 60 जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन इस फोन को लॉन्च करने में जो है कंपनी ने काफी कुछ वक्त लगा दिया। तो उस समय मुझे लगा कि शायद जो है इस फोन में आपको काफी कुछ अपग्रेडेशन देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू वन प्लस 5T। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वन प्लस 5T का अपग्रेडेड वर्जन है वन प्लस 60। तो ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है इस फोन में। जो आपको जो भी कुछ है आपको बदलाव देखने को मिल रहे हैं वो काफी कम बदलाव देखने को मिल रहा है, और जो भी फीचर आपको देखने को मिल रहे हैं इससे पहले भी ये जो फीचर है आपको दूसरे फ्लेक्सी स्मार्टफोन में पहले ही देखने को मिल गए थे। बात करते हैं इस फोन की कुछ मेन हाइलाइट्स के बारे में, और आपको यहीं से पता चल जाएगा कि इस फोन में जो है आपको क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। वैसे तो आज लॉन्च होगा ये फोन, और आप जो है लाइव इवेंट पे देख सकते हैं कि आपको जो है वहां पर आपको क्या कुछ जो है देखने को मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मेन हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, और उसके बाद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 845 का प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपको अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको 9.0 पाई का आपको देखने को मिल रहा है, और साथ में जो है आपको एड्रीनो जीपीयू आपको 630 का आपको इस फोन में इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद अगर आप ईयरफोन या हेडफोन के जरिए गाना सुनने के शौकीन है तो आपको इसको लेकर निराश होना पड़ेगा, क्योंकि इस फोन में जो आपको 3.5 mm का कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिला है। इस फोन में आपको जो है 3.5 mm का ऑप्शन हटा दिया गया है। लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं गाना हेडफोन या ईयरफोन का इस्तेमाल करके तो उसके लिए जो है शायद अगर आप ये फोन परचेज करेंगे तो उसके साथ आपको जो है एक एडेप्टर आपको देखने को मिलेगा, शायद उसकी मदद से जो है आप जो है 3.5 mm का हेडफोन जैक के थ्रू आप ईयरफोन लगा के गाना सुन सकते हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं इस फोन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस फोन की डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। देखते हैं कि कितना बड़ा डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पर आपको बहुत बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, 6.41 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले, और इस टाइप का जो डिस्प्ले है आपको सैमसंग के अधिकतर डिवाइस में आपको देखने को मिल जाएगा। एस्पेक्ट रेशियो के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 19:5:9 का एस्पेक्ट रेशियो वाला स्क्रीन, और जहां तक बताया गया है कि स्क्रीन से बॉडी का जो रेशियो है आपको 86% के आसपास जो इस फोन में देखने को मिल रहा है। रिजोल्यूशन के बारे में बात करें तो रिजोल्यूशन जो आपको 1080p से लेके 2340p तक आपको रिजोल्यूशन देखने को मिल रहा है। डिस्प्ले डिजाइन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है वाटर ड्रॉप टाइप का जो है नॉच डिजाइन वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ही छोटा सा नॉच जो है इस फोन के डिस्प्ले में आपको देखने को मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं इस फोन की कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पर आपको सारे कनेक्टिविटी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि 4G VoLTE, Wi-Fi, NFC, ब्लूटूथ, USB टाइप सी, ये सब जो कनेक्टिविटी है इस फोन में आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद बैटरी की कैपेसिटी के बारे में बात करें तो बैटरी जो है आपको महज 3700 mAh की आपको देखने को मिल रही है, लेकिन ये काफी है इस फोन के लिए, और इसके साथ जो है आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट जरूर देखने को मिल जाएगा। अब सबसे मेन जो हम लोग जिसके बारे में सबसे ज्यादा फोन में देखते हैं वो है कैमरा। पीछे के कैमरा के बारे में बात करते हैं, पीछे आपको इस फोन में दो कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे, प्राइमरी लेंस जो है आपको 16 MP का, सेकेंडरी लेंस जो है आपको 20 MP का आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि वाइड एंगल शॉट और बहुत सारे जो है आप फोटो शूट कर सकते हैं। उसके बाद सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 20 MP का सेल्फी कैमरा, जो कि काफी अच्छा कैमरा इस फोन में आपको देखने को मिल सकता है। चूंकि ये फ्लेक्सी स्मार्टफोन है तो इस फोन में जो है आपको बहुत सारे जो है कैमरा मोड्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले प्रोटेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास 6 का आपको प्रोटेक्शन, जिससे कि जो है आपको फोन का जो डिस्प्ले है नॉर्मल हाइट से गिरने पे जल्दी नहीं टूटेगा, लेकिन आप जो है जानबूझकर इस पे इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि जो है कोई भी गोरिल्ला ग्लास जो है टूट ही जाता है। उसके बाद बात करते हैं इस फोन की प्राइस के बारे में। दोस्तों, प्राइस जो है कुछ बताया नहीं गया है, बहुत सारे जो है वेबसाइट अलग अलग प्राइस अनुमान लगा रहे हैं, कोई वेबसाइट जो है आपको 40 से 45,000 अनुमान लगा रहे हैं, कोई वेबसाइट जो है आपको 35 से 45,000 के बीच आपको अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन आज जो है आपको आज तो खुलासा अच्छे तरीके से नहीं होगा, आपको कल जो है इसके प्राइस के बारे में पूरी तरह से खुलासा हो जाएगा कि इंडिया में जो है आपको किस प्राइस रेंज में ये फोन मिलने वाला है। अब कंपेयर करते हैं इसको कुछ स्मार्टफोन से। दोस्तों, अगर आपका बजट वन प्लस 60 के लिए नहीं है, लेकिन आप जो है इस फोन में जो SoC का इस्तेमाल किया गया है, अगर आप यही SoC का जो है थोड़ा सा कम बजट में आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं Xiaomi का पोको F1 फोन। इस फोन में भी जो है आपको स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है, और ये जो फोन है आपको लेटेस्ट फोन है,
और इस फोन में जो है आपको कैमरा सेट जो है बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है, बैटरी परफॉर्मेंस भी जो है आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। उसके बाद है ना, इसके तुलना में जो है काफी फोन है, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी 8 स्टार हुआ, 8 प्लस हुआ, ये सब जो फोन है ये भी आप ले सकते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो अगर आपके पास पुराना OnePlus 5T है या फिर OnePlus 6 है या OnePlus 5 है, तो आप जो है मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप उसमें अपग्रेड नहीं करें तो ही अच्छा होगा। तो बस देखते हैं कि जो आज का जो लॉन्च इवेंट है उसमें क्या कुछ जो है खास निकल कर सामने आएगा, तो हम इसके बारे में जो है आपसे जरूर अपडेट करेंगे। तो बस इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा और हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए।